नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। पूछता है झारखंड में आप सभी का स्वागत है। तो झारखंड में चुनावी हलचल तेज है। कुछ ही वक्त में विधानसभा चुनाव है। सत्ता से बाहर बैठी बीजेपी प्रदेश में सियासी हवा बरकरार रख विधानसभा चुनाव अपने पक्ष में करना चाहती है, लेकिन इस सब के बीच एनडीए में सीट शेयरिंग पर सभी की नजर है, क्योंकि भले ही जेडीयू और आजसू बीजेपी के साथ हो, लेकिन दोनों ही अपनी जमीन मजबूत करने में एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए दिख रहे हैं। मौजूदा वक्त में नीतीश की पार्टी में दो ऐसे नेता हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री को पटखनी देकर वाहवाही बटोरी। जेडीयू और आजसू ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए बेताब है और दोनों ही सहयोगी दल बीजेपी से डिमांड करने के मूड में नजर आ रहे हैं। राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले नीतीश कुमार झारखंड विधानसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा हिस्सेदारी लेने की हर तरकीब अपनाएंगे, ये तय है। अब ऐसे में सवाल ये है कि एनडीए में मचा घमासान आखिर कब शांत होता है, आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। परिचय भी आपका सारे मेहमानों से कराएंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने परिवर्तन रैलियों के जरिए सियासी हवाओं का रुख अपने पक्ष में कर सत्ता में वापस आने की कोशिशों में जुटी है, मगर एनडीए गठबंधन के भीतर सियासी तूफान आने के पूरे आसार हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि खबर पक्की है, झारखंड के जेडीयू का प्रतिनिधिमंडल सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात करने पहुंचा। झारखंड विधानसभा चुनाव की रणनीति पर न सिर्फ चर्चा की गई, बल्कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी से डिमांड भी की जाएगी। बकायदा खबर ये भी है कि 11 सीटों पर जेडीयू झारखंड में चुनाव लड़ना चाहती है। जल्द ही नीतीश कुमार बीजेपी के आला नेताओं से इस मुद्दे पर मुलाकात भी कर सकते हैं। वहीं झारखंड की सियासत के सरयू बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक सभी को अपने फेर में डाल चुके हैं, मगर झारखंड के विधानसभा चुनाव के पहले और लोकसभा चुनाव के इलेक्शन से एकदम बिल्कुल ठीक पहले ये तय हो गया था कि सरयू बीजेपी में आने वाले हैं। बकायदा इसकी पटकथा बीजेपी के दिग्गज निशिकांत दुबे ने लिखी थी, लेकिन अचानक रघुवर दास की एंट्री ने पासा पलट दिया। लेकिन विधानसभा चुनाव से ठीक पहले झारखंड की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले सरयू राय ने अपनी पूरी पार्टी का जेडीयू यानी नीतीश कुमार की पार्टी में विलय कर दिया। ऐसे में सरयू अब नीतीश कुमार के घर में है और नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन के काफी शक्तिशाली नेता हैं। ऐसे में जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार बिहार वाला सियासी दाव चल रहे हैं। नीतीश कुमार दूसरे दलों से कैंडिडेट आयात कर रहे हैं और बीजेपी के बागी उम्मीदवारों को भी अपने साथ लाने में गुरेज नहीं करेंगे। दरअसल नीतीश बिहार वाला सियासी दाव आजमा कर दोस्त के दुश्मन को साथ लाकर महासंग्राम लड़ने की तैयारी में है। यानी नीतीश कुमार झारखंड विधानसभा में ज्यादा से ज्यादा हिस्सेदारी लेने के लिए हर तरकीब अपनाने जा रहे हैं। इधर एनडीए खेमे की दूसरी मजबूत पार्टी यानी आजसू के हुक्मरान सुदेश महतो भी नीतीश की राह पर ही चल रहे हैं। 14 से 15 सीटों की डिमांड कर रहे हैं। 14-15 सीटों की डिमांड से बीजेपी भी सदमे में है। बात जैसे चल रही है तो मुझे लगता है कि 1-2 दिन के अंदर में सीट का सेविंग हो जाएगा भाजपा के साथ। और अभी जिस प्रकार से अभी जो माननीय आशु पार्टी के सुप्रीमो और पूर्व डिप्टी सीएम सुदेश कुमार महतो जी का जो सीट है बात रखा गया है, जैसे में सिल्ली रामगढ़ मंडू बड़का गांव घूमिया इच्छागढ़ चंदन क्यारी लोहरदगा टूडी डुमरी बहुत सी सीटें हैं जिस पर मांग रखा गया है। यानी सियासी दाव पेच में फंसी बीजेपी हल निकालने में जुटी हुई है, मगर क्या एनडीए में मचा घमासान इतनी आसानी से शांत होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। तो झारखंड के सिराने पर विधानसभा चुनाव है, ऐसे में तमाम राजनीतिक दल तैयारियों में जुट गए हैं, लेकिन एनडीए की बात करें तो जेडीयू और आजसू दोनों ही एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा सीटों की डिमांड कर सकते हैं। ऐसे में बीजेपी आखिर क्या करती है सब पर
आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, परिचय करवा देती हूं। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता विजय कुमार चौरसिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही बीजेएम अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार तिवारी जी जुड़ गए हैं, जेएमएम से प्रवक्ता एएस देवल जी जुड़ गए हैं और आजसू से प्रवक्ता विकास राणा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप चारों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चौरसिया जी आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह से जेडीयू की हिस्सेदारी बड़ी है, हमने देखा केंद्र में सरकार मोदी 3.0 बनाने के लिए नीतीश कुमार किस तरह से किंग मेकर थे, अब अगर झारखंड की बात करें तो हिस्सेदारी यहां भी वो बढ़ चढ़ कर मांगेंगे और उसके लिए तैयारियां भी तेज हो गई है, कैसे निपटिएगा, क्या कुछ रणनीति? अब सारी चीजों में मंथन चल रही है रिया जी, और बैठ के चल रही है, और सही बात है कि जेडीयू हमारी सहयोगी पार्टी है, तो ऐसे में इन चीजों का सीट शेयरिंग को लेकर के विचार मंथन बहुत जरूरी है और वो हो रहा है। कोई खटास नहीं है, कोई तलखी नहीं है, जो बातें आप बता रहे हैं जिस तरह से वैसी कोई बातें नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे सभी मिल बैठ करके सारी चीजें तय करेंगे और सभी का एकमात्र उद्देश्य है कि इस राजा रानी की सरकार को झारखंड से हटा करके बाहर करना है। नहीं, लेकिन अगर सीटों की डिमांड ज्यादा होती है तो कैसे निपटेगी बीजेपी? 2019 की बात करें तो 78 सीट्स में बीजेपी ने कॉन्टेस्ट किया था, एनडीए की बात करें 25 वो ला पाए। अब अगर सीटों की डिमांड ज्यादा जेडीयू और आरसीयू करते हैं तो किस तरह से निपटिएगा? नहीं, ज्यादा और कम की बात नहीं है, सभी को धरातल पता है और सभी को पता है कि किन की पार्टी कहाँ पे मजबूत है, क्या स्थिति है, और किसी में कोई मतभेद नहीं है कि हम ज्यादा सीट में लड़े वो कम सीट में लड़े, ऐसी कोई बात कांग्रेस और जेएमएम वाली यहाँ पे नहीं है। जिस तरह की बात मीर साहब ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा सीटों में लड़ेंगे और हमारा मुख्यमंत्री रोटेट होगा, कांग्रेस का मुख्यमंत्री होगा, ऐसी कोई बात आप एनडीए गठबंधन से किसी के मुंह से आप नहीं सुन रहे होंगे। आप कह रहे हैं जेएमएम और कांग्रेस वाली लड़ाई नहीं है, देवल साहब सही कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले तो इनके अंदर की एनडीए की अंदर की जो आपस की दार है वो उस पर मुझे कमेंट करना नहीं है ठीक लगता कि कोलिशन में बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, बट एक बात उन्होंने अपने बोलते बोलते ये बता दी कि उन्होंने अपने गठबंधन के साथियों की औकात बता दी कि धरातल पे वो कितने हैं उसके हिसाब से, तो आज शू सबको स्थिति पता है कौन सी पार्टी धरातल पर कितनी मजबूत है, ये सभी को पता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसके हिसाब से तब तो फिर आजू जो 14-15 सीटें मांग रही है उसको बीजेपी सिंगल डिजिट मांग रही है आजू को, आप ये कैसे जा रहे हो? मैंने सीटें मांग रहे हैं पहले कहा जी कि आपके कोलिशन की आपके अंदर की लड़ाई है वो आप समझिए, हमारे कोलिशन में क्या रहा वो हम समझ लेंगे एक दूसरे। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नहीं, बात नहीं है, क्योंकि हम इलेक्शन में जा रहे हैं, समझना के बीच में जा रहे हैं और जनता के पास मुद्दे लेकर एक दूसरे आपके लिए समझना इतनी जरूरी है, ये घर में लड़ाई है। देवल साहब इसलिए जरूरी है कि मीन साहब ने मीडिया को बयान दिया है कि भाई हमारी सीटें ज्यादा होगी तो हमारा मुख्यमंत्री होगा, कांग्रेस का मुख्यमंत्री होगा, तो भाई मीडिया को मीर साहब से एक्सप्लेनेशन पूछना चाहिए, मैं तो कांग्रेस नहीं, नहीं, आप सहयोगी हो, तो आप मुझसे आप सहयोगी हो आप दम ताल ठोक कर कहते हो कि हमारा नेता हेमंत सोरेन है, तो फिर मीर साहब के वक्तव्य का क्या क्लेरिफिकेशन है? वो आप मीर साहब से पूछ लीजिए। नहीं, मीर साहब चौरसिया जी, उसके बाद जेएमएम की तरफ से पार्टी महासचिव का भी तो बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने चेतावनी दी कांग्रेस को कि अगर कांग्रेस को हमारे नेतृत्व पर विश्वास नहीं है तो 81 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ लेंगे, तो ऑल इज वेल तो जेएमएम कांग्रेस में भी नहीं है। वही तो ले जा रहा हूं मैं आपको कि चेतावनी दी, कम से कम ये संस्कृति हमारे गठबंधन में नहीं है रिया जी, मैं वही ले जा रहा हूँ आपको बात बताते हैं चेतावनी कि जो खतरा कांग्रेस और जेएमएम में दिख रहा है अभी राजद का आना तो बाकी है, अभी राजद भी कई चीजों में दावा करेंगे, रिवाज नहीं है वो, तो जो केंद्र में दो भाई बड़े भाई बोलते हैं वही होता है, यहाँ चेतावनी की तो रिवाज ही नहीं है, ईडी सीबीआई डायरेक्ट आती है, अनुशासन कहते हैं इसको, अनुशासन कहते हैं देवल साहब, जो आप में नहीं दिख रहा इसको अनुशासन कहते हैं, समर्पण कहते हैं। सर
सर सर एकदम। और जो चेतावनी वाला पटाक्षेप मैंने सिलसिला आप लोगों में शुरू हुआ है, उधर से मीर साहब का बयान, इधर से आपके जेएमएम का बयान, इस पे कोई क्लैरिफिकेशन अभी तक आप लोग का नहीं आया कि आखिर आप लोग किस तरह से सीटों का बंटवारा करेंगे, कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। अभी तक तो आप लोगों ने ढोल पीटा था कि भाई हेमंत जी ही मुख्यमंत्री के चेहरा होंगे, हालांकि ब्रांडिंग बहुत जोर शोर से कल्पना जी वो तो आप लोगों ने भी अभी फिक्स नहीं किया है ना कि सीएम फेस कौन होगा। हमारा तो कहीं फिक्स नहीं होता, हम तो चुनाव के बाद विधायक दल की बैठक होती है और हम अपना नेता घोषित करते हैं। आप देख लीजिए अन्य राज्यों की बात, नहीं पर्ची नहीं आती, समन्वय होता है, समन्वय होता है। राजस्थान में समन्वय हुआ था, राजस्थान में समन्वय हुआ था, दिखा था सभी जगह समन्वय हुआ था। आपने कहीं पे इसको शिकायत सुनी क्या, किसी ने कहा क्या कि हमें क्यों हटा दिया गया, इन्हें क्यों बैठा दिया गया, कहीं से सुना ही पड़ा आपको? ये आपके समन्वय है, ये समर्पण है और ये अनुशासन है जो भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों में ये प्राथमिक चीजें होती है, जो कहीं से भी कांग्रेस चलिए ठीक है। चौरसिया जी हमारे साथ आजसू से जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता विकास राणा जी उनके पास चल लेते हैं। विकास जी, अभी चौरसिया जी ने कहा कौन सी पार्टी कितनी मजबूत है धरातल पर सबको पता है, क्या कहिएगा सर? विधानसभा चुनाव में जो गठबंधन दल है, चाहे वो एनडीए हो चाहे यूपीए हो, सभी पार्टियां चाहती है कि वो ज्यादा से ज्यादा सीट चुनाव करे। ऐसा नहीं है कि कोई चाहे कि कोई पार्टी चाहेगी कि हमारी पार्टी 10 सीट तक चुनी जाए। बिल्कुल, तैयारी पूरे 81 सीटों पर होती है, पूरे 81 विधानसभा क्षेत्र में आज की पार्टी की तैयारी प्रॉपर वे में चल रही है और हम लोग लगातार पार्टी सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो जी के नेतृत्व में लगातार कार्यक्रम जिला प्रमुख सम्मेलन के माध्यम से हर एक विधानसभा क्षेत्र में हम लोगों ने किया और कल यानी आपके सीटों को लेकर किसी तरह की तकरार नहीं है। यही तो मैं कहना चाहता हूँ ना कि कल गोमिया विधानसभा क्षेत्र से सुदेश कुमार महतो जी ने नव निर्माण संकल्प यात्रा की शुरुआत की। हर एक विधानसभा में हम मजबूत हैं और गठबंधन धर्म का पालन तभी होगा जब सब दोनों सभी पार्टियां एक दूसरे को सहयोग करेगी और हमारा लक्ष्य है कि आने वाले दिन में झारखंड में 2024 में एनडीए की सरकार कैसे बने, इसके लिए हम लोग गंभीरता से जुड़े हुए हैं और निश्चित रूप से हम लोग इस पर काफी गंभीर हैं और इसमें जहां भी किसी भी दल को जहां समझौता करना पड़ेगा समझौता होगा, लेकिन किसी तरह का कोई भी विवाद नहीं होगा और आने वाले दिन में हम लोग झारखंड में एनडीए की सरकार बनाएंगे और एनडीए का मुख्यमंत्री। चलिए ठीक है, मतलब जेएमएम कांग्रेस वाली खींचतान नहीं है सीएम की कुर्सी को लेकर, समझ गए। हमारे साथ धर्मेंद्र जी भी जुड़े हैं बहुत समय से, एक बार उनका रुख कर लेते हैं, बीजेएम अध्यक्ष हैं। धर्मेंद्र जी, क्योंकि झारखंड में चुनाव होने हैं, साल के अंत से पहले चुनाव होने, काफी कम समय रह गया है, किस तरह से झारखंड के रण को देख पा रहे हैं और बीजेएम की बात करूं तो किस स्थिति में बीजेएम? देखिए, हमारे संरक्षक माननीय सरजू राय जी अभी कुछ दिनों पहले ही जेडीयू में ज्वाइन किए हैं और जेडीयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं दोनों मित्र हैं। अब वो क्या समीकरण बनता है, किस तरह से बीजेपी और जो आलसू का गठबंधन है उसमें कहाँ फिट इनकी सीट बैठती है, वो तो पूर्वी से ही चुनाव लड़ेंगे पूरी जहाँ जो विधायक हैं, तो हम लोग भी वेट कर रहे हैं कि उनका क्या निर्णय होगा, क्योंकि हमारे अभिभावक हैं और हमारे संरक्षक हैं, तो किस तरह से वो क्या करते हैं उसी की प्रत्याशा में हम सभी हैं। तो किस सीट से लड़ेंगे सरयू राय? पूर्वी की सीट से लड़ेंगे जहाँ से वो विधायक हैं। अच्छा, उसी सीट से लड़ेंगे, तो फिक्स हो गया बीजेपी के साथ, एनडीए में फिक्स हो गई ये चीज? देखिए, सीट तो ऐसा है कि फिक्स करना उनका काम है, बीजेपी का कार्य है फिक्स करना, लेकिन जो ज्वाइन किया उन्होंने जेडीयू और उन्होंने नीतीश जी पर छोड़ दिया कि आपको क्या करना है आप देखिए, लेकिन मैं जनता से वादा किया हूँ तो मैं पूर्वी से चुनाव लड़ूंगा, उन्होंने क्लियर कर दिया है। चौरसिया जी जवाब दीजिए, यहाँ पर धर्मेंद्र जी कह रहे हैं फिक्स है सरयू रॉय का, तो हमने कब मना किया? अच्छा, यानी बीजेपी भी पूरी तरह से जो डिमांड्स आ रही है उनको मानने के मूड में है, यही चीज ना? सरयू राय जी का सम्मान है और उनका स्वागत है, हम कहाँ उनको मना कर रहे हैं।
लेकिन ये बातें जिस तरह से तिवारी जी बोले, ये बातें तय चल रही है, उनका सम्मान है, इसमें कोई भाजपा उसका काट तो कर नहीं रही है। अच्छा, यानी बीजेपी की तरफ से फुल सपोर्ट है, पूरा समर्थन है, यही चीज हम दर्शकों को भी बता रहे थे थोड़ी देर पहले जब हमने रिपोर्ट दिखाई कि बीजेपी से जो डिमांड हो रही है, चाहे वो जेडीयू की तरफ से हो, आजसू की तरफ से हो, बीजेपी झुकती है, मानती है, मनाने में कामयाब रहती है, इस सब पर सभी की निगाह। ना कहीं रिया जी झुकने की बात हो रही है, ना कहीं मनाने की बात हो रही है, ना कुछ मानने की बात हो रही है, सारा कुछ समन्वय के साथ हो रहा है, सभी को सभी चीजों में। सर मतलब... कैसी बात कर रहे हैं, 2019 में जब टिकट मांग रहे थे सरयू राय तब दिया नहीं, उसके बाद पार्टी बनाई उन्होंने, अब जेडीयू में है और इतने आसानी से अब आप कह रहे हैं कि ना झुकेंगे। रिया जी 19 को भूल जाइए, अब एनडीए गठबंधन के द्वारा झारखंड में नया सूर्योदय होने वाला है और इसके लिए सभी सहयोगी दल एनडीए के तैयार है। झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद वाली बात नहीं है, ये बेमेल समझौता नहीं है हमारा कि भाई जो कह रहा था कि हमारी कांग्रेस का बेमेल समझौता है, बिल्कुल जो कह रहा था कि हमारी लाभ से झारखंड बनेगा, उसके साथ समझौता है जेएमएम का, उसके साथ समझौता है कांग्रेस का, ये बेमेल आपको नहीं जवाब दीजिए देव साहब, जिसने झारखंड आंदोलन को महज 3 करोड़ रुपए में बेच दिया, ये आपको नहीं लगता कि ये बेमेल समझौता है, ये स्वार्थपूर्ण समझौता है, ये अवसरवादी वाला समझौता है? देखिए चौरसिया जी जिस पार्टी से आते हैं, जिस आइडियोलॉजी से आते हैं, मैं तो इनके गठबंधन के सहयोगियों से पूछता है कि जिसने देश को बेच दिया, देश के अंग्रेजों को लिख लिख के चिट्ठियां दी कि नहीं मुझे, हमको बाद में आजादी से कोई मतलब नहीं है, हमें तो खाली हिंदुत्व चाहिए, वैसे आइडियोलॉजी से जन्मी इस पार्टी को ये हमें बता रही है कि देशभक्ति क्या होती है और राष्ट्र प्रेम क्या होता है। तो मैं तो आपसे और जदयू से पूछता हूँ, ये हम बात बोल रहे हैं तो थोड़ा पहले एक बात बताइए, देश की बात कर लेना के बारे में, आपको क्या आइडियोलॉजी से ये पार्टी का जन्म हुआ है, पहले पार्टी ने तो कभी मांगी नहीं और वो आज देश की राज कर रही है और लोगों को ज्ञान दे रही है कि नेशनलिज्म क्या होता है। आपके भरोसे नहीं कर रही साहब, पार्टी पे जनता का मैंडेट है, जनता का मैंडेट है, आपके भरोसे नहीं है भैया चौरसिया साहब, जनता का मैंडेट हमें राज करने के लिए मिला था ना झारखंड में, उसको आप क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं? मैंडेट है आरजेडी को जनता का मैंडेट मिला, वो जनता का मैंडेट नहीं है। 5 साल देओल साहब आप ही तो हो, काम है तो फिर आप ही हो तो एक्सेप्ट तो कीजिए कि हमारा राज था। आपने कोई कसर नहीं उठाई, ऑपरेशन लोटस, मुख्यमंत्री को जेल भेज दो, इनके विधायक तोड़ दो, इनके विधायक खरीद लो, अभी अभी आप ही नहीं करते, अभी आप दो नोटों के मैंडेट पे विश्वास करते हो, अडानी अंबानी पे विश्वास करते हो, देवल साहब नहीं हो, बेल मिला है, बेल दोष मुक्त नहीं हो गए आपके हेमंत जी, अभी चीजें बाकी है, म्यूट हो गए देवल साहब, अभी चीजें बाकी है देवल साहब, अभी चीजें सारी चीजें है, आज का वाक्य आपने पढ़ा कि नहीं, आज आप रिया जी इनको बता दीजिए कि इनके एक बड़े पदाधिकारी धनबाद के एसपी का केस सीबीआई को सौंप दिया हाईकोर्ट ने, अरे भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है आपकी सरकार में, आपको मालूम नहीं है क्या? नहीं, लेकिन चौरसिया जी भ्रष्टाचार का मुद्दा लोकसभा चुनाव में भी उठाया था ना बीजेपी ने, ये तो उठाएगा हमें, नहीं तो लेकिन उसका कुछ जो परिणाम आप सोच रहे थे, 8 सीटों पर सिमट गई ना बीजेपी, नहीं ऐसा तो नहीं था कुछ स्वीप कर दिया हो, क्लीन स्वीप प्रदर्शन रहा हो, एनडीए को 9 सीटें मिली है रिया जी और 9 सीटों में हमारा समर्थन मिला है जनता का, अब ये चीजें विधानसभा में आपको परिलक्षित होगी कि किस तरह से आपको नहीं लगता चौरसिया जी जो मुद्दे बीजेपी उठा रही है झारखंड में, क्या जनता तक वो मुद्दे पहुंच रहे हैं? बिल्कुल, आपने देखा नहीं जन सैलाब दल कैसे हजारीबाग में और कैसे जमशेदपुर में जन सैलाब था उमड़ा आदरणीय मोदी जी के आगमन में, ये लोकसभा चुनाव के समय भी ऐसा ही जन सैलाब था ना, लेकिन केंद्र में मोदी 3.0 लाने के लिए मशक्कत करनी पड़ी बीजेपी को। लोकतंत्र में ये सब होता चलता है प्रिया जी, ऐसा नहीं है कि आप कुछ फिक्स करके चल रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से जुआओं में आक्रोश है, जिस तरह से जुआओं पर अब फिर इन्होंने झूठे केस लाद दिए हैं, ये इसके सरकार की मतलब ताबूत की आखिरी कील साबित होगी, मैं आपको बता रहा हूं,
ना घुसपैठ पर इनको कुछ कहना है, ना भ्रष्टाचार पे इसको कुछ कहना है, सिर्फ और सिर्फ कल्पना सोरेन जी को ब्रांडिंग करने में, अस्टार्डम देने में, पूरा राजकोष मतलब खाली करने में ये सरकार लगी हुई है। और यही कारण है कि इनके सहयोगी दल कांग्रेस ये अब कहने के लिए मजबूर हो गई है कि सीएम का चेहरा रोटेट होगा, सीएम अब हमारा होगा। देवल साहब, क्या बेरोजगारी और वादा खिलाफी और जिस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा बीजेपी उठा रही है, आपको नहीं लगता कि अब की बार थोड़ी राह जेएमएम के लिए मुश्किल होने वाली है? देखिए, राह है तो कभी आसान नहीं होती, इलेक्शन में है, जनता के बीच में जाना है और जनता का जिधर जो प्यार है, बट जनता के बीच में हम जा रहे हैं। हमें तो लोकसभा में देखा कि 12 में से पहले इनके पास 12 थी, अब 9 पे रह गए हैं, तो फेवर तो इंडिया गठबंधन की ओर है। और अभी आप वेट कीजिए, फेवर इंडिया गठबंधन की ओर है, ऐसा कैसे बोल सकते हैं? आप लोग भी तो ज्यादा सीटें नहीं ला पाए ना। हाँ, 2019 से बेहतर प्रदर्शन जरूर रहा देवल साहब, जेएमएम का 2019 से बेहतर प्रदर्शन जरूर रहा, ये बात मानूंगी मैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि फेवर पूरा आपकी तरफ है। नहीं तो हम तो देखिए, हम इतने ओवर कॉन्फिडेंट हम नहीं है, हम अपने आप को अहंकारी नहीं समझते, हम तो जनता के सेवक है, हम जनता के बीच में जाएंगे, हमने जनता के बीच में बात रखनी है कि हमारी ये बातें, हमने ये आपसे प्रॉमिस किया था, हमने ये वादे पूरे किए, हमने ये नए वादे पूरे किए, कुछ वादों पे हम नहीं पूरा कर सके, जनता को डिसाइड करना है ना। बट जो अहंकार बीजेपी के प्रवक्ता के मुंह से निकल रहा है, उन्होंने तो पहले बेरोजगारी भत्ता दिया क्या? ऐसा लग रहा है कि वो तो पता नहीं, या तो इलेक्शन कमीशन पहले ही उन्होंने साइन करवा के रख लिया है कि इलेक्शन वोट पड़े चाहे नहीं पड़े, हमें डिक्लेयर कर। सरकार को सलाह दे, आप अपनी सरकार को सलाह दे, 18-19 युवाओं की जान ले ली, लेकिन एक पीड़ित परिवार के हाथ आपका कोई नुमाइंदा नहीं गया मिलने के लिए। जितना सलाह संवेदनशीलता आपकी सरकार को दीजिए, कैसे आपकी सरकार को उन्होंने बर्बाद करके छोड़ दिया, ये सलाह मोदी जी के लिए बचा के रखिए। अभी बताओ ना, अभी हमारे पास दौर में सूझवान है, कितने परिवारों का आंसू पोंछने आपका कुंभ गया, एक सरकार का एक नुमाइंदा भी उस पीड़ित परिवार से नहीं मिलने गया। इतना असंवेदनशील सरकार को आखिर किसी भी प्रदेश की जनता किस लिए बर्दाश्त करेगी? रिया जी, आखिर वो जुआ उस घर का चिराग था ना, उसकी दुनिया उजड़ गई ना। आप बताइए, इस जेएमएम सरकार का कोई एक नुमाइंदा भी किसी पीड़ित परिवार का आंसू पोंछने गया? इससे ज्यादा क्या हो सकता अहंकार इस सरकार का? आप हमें अहंकारी कह रहे हैं? जो लाशों की राजनीति करते हैं वो ज्ञान दे रहे हैं हम लोगों को कि आप बताइए ना, सीधा युवा ये था, मैं सीधा परिवार से जाके पूछे कि उनको सरकारी सहायता मिली कि नहीं। हम आपका वोटर है, हम दलित के यहाँ मिनरल वाटर और हरा कारपेट और आप नई प्लेटें लेके खाना खाने नहीं जाते। मेरा सीधा प्रश्न रियल से पूछा जाए, वो चमरा लिंडा का परिवार ये इस सूबे की का वोटर है या नहीं है? क्यों नहीं गए इनके इनके कोई सरकारी रिलीफ उनके घर पहुंची कि नहीं पहुंची ये पूछ लीजिए। क्या रिलीफ पहुंची आप बता दो, जाने फोटो ऑफ से नहीं मतलब है। अरे आपको 4 किलोमीटर जाने का शौक नहीं है? जैसे आप सुनो ना, फोटो जी भी आप लोग फोटो कितना खिंचा रहे हो। आप कल्पना सोरेन का फेसबुक देख लो, आप ट्विटर देख लो, ऐसा लगता है कोई महारानी उतरी है। इनको ये तकलीफ है कि कोई नेता को फोटो कितना खिंचाते हो? नहीं आपके फोटो दीजिए, फोटो पर जवाब दिया मैंने, आपने आपको याद रखने का आप बहुत क्लियर है। आप बहुत सीनियर है देवल साहब, आप बता दीजिए दिल्ली में झारखंड भवन भाषा साहब, मैं सीनियर नहीं हूँ। बात सुनिए, बहुत छोटा इंसान हूँ, छोटा सिपाही हूँ जेएमएम का, मैं कोई सीनियर नहीं हूँ। सम्मानित पर मेरा तो बड़ा मान सही लगता है, वो सम्मानित है और मेरे में एक बात बताइए, मुझे पार्टी ने इतना हक दिया है कि अगर मुझे लगेगा कि पार्टी में कुछ गलत हो रहा है तो मैं बोल सकता हूँ। पर आपकी पार्टी में आपको हिम्मत नहीं है कि आप बोल सकते हैं कि आपके नेता गलत कर रहे हैं। एक बात बताइए, आप पे और मेरे में देवल साहब सुना जाए, देवल साहब जब दिल्ली भवन का उद्घाटन हो रहा था, दिल्ली में झारखंड भवन का, शिबू जी का फोटो हटा करके, विषम गुरु का फोटो हटा करके कल्पना सोरेन जी का फोटो लगाया, ये फोटो पॉलिटिक्स कौन कर रहा है? आपने क्या पार्टी को कुछ सलाह दी आपने?
क्या करा दिया आपने अपनी पार्टी को? मैं भी यहां से विषम गुरु का फोटो हटा करके कल की विधायक चौरसिया जी वो बात वो मानेंगे नहीं अभी एस दिल साहब, लेकिन वक्त की कमी है, चर्चा आगे बढ़ाते लेकिन वक्त अभी नहीं है। चौरसिया जी, एस देव जी, विकास जी और धर्मेंद्र जी, आप चारों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। तो एनडीए में मचा घमासान, आखिर लोकसभा चुनाव से पहले शांत होता है या नहीं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन झारखंड के सिरहाने पर जी हां विधानसभा का चुनाव है, तमाम राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं, ऐसे में एनडीए मजबूत है या जेएमएम कांग्रेस गठबंधन, ये आने वाला वक्त बताएगा। इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।